हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, तीन टाइप्स है। ठीक है, और ये जो तीन टाइप्स है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब किस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट दे प्रोड्यूस, मतलब कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट वो प्रोड्यूस करते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया। दूसरा हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, मतलब ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं। और तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब कितना वाटर प्रेजेंट होता है। तो इन तीनों के बेसिस पे एक्सक्रीशन के तीन टाइप्स पड़ते हैं। नंबर एक अमोनोटेलिज्म, नंबर टू यूरियोटेलिज्म एंड नंबर थ्री यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, अभी हम इनके बारे में डिटेल देखेंगे। अब हम देखेंगे अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म एक साथ। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना पड़ेगा हमें कि अमोनोटेलिक एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है, और जो एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, एंड द प्रोसेस बाय विच अमोनिया, अगर जिस प्रोसेस के द्वारा अमोनिया एक्सक्रीट होता है उसे अमोनोटेलिज्म कहा जाता है। यूरिया जिस प्रोसेस के द्वारा एलिमिनेट होता है उसे यूरियोटेलिज्म कहा जाता है, और यूरिक एसिड जिस प्रोसेस से एलिमिनेट होता है उसे यूरिकोटेलिज्म कहा जाता है। मतलब एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। ठीक है ना, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। ठीक है, वैसी डेफिनेशन यहाँ पे होगी, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, अभी हम इन एनिमल्स के हैबिटेट देख लेंगे। दीज एनिमल्स आर मोस्टली एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं, 24 आवर्स पानी में ही रहते हैं। दीज एनिमल्स आर टेरिस्ट्रियल, टेरिस्ट्रियल मतलब दीज एनिमल्स आर लैंड एनिमल्स। ठीक है, एंड दीज एनिमल्स आर एरियल मतलब उड़ने वाले, आर्बोरियल मतलब पेड़ पे रहने वाले, और डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स, ये इनका हैबिटेट हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे हम कि अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, बहुत ही जहरीला होता है, हाईली टॉक्सिक, बहुत विषैला होता है, एंड इट इज़ बेसिक इन नेचर। ठीक है, यूरिया इज लेस टॉक्सिक एंड यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, बहुत ही कम टॉक्सिक होता है।
समझ में आ गया? हियर सी, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। अगर अमोनिया बेसिक होता है तो इससे क्या होता है? अगर अमोनिया बेसिक है एंड इफ इट इज रिटेन्ड इन द बॉडी, अगर ये हमारे बॉडी में रह जाता है तो इट डिस्टर्ब पीएच ऑफ बॉडी, बॉडी का पीएच डिस्टर्ब कर देता है। दूसरा, इट डिस्टर्ब एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस, मतलब जो रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं एंजाइम के द्वारा, तो ऐसे एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और प्लाज्मा अनस्टेबल हो जाता है। प्लाज्मा मतलब ब्लड का एक जो पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट, उसे प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर अमोनिया हमारे बॉडी में रिटेन होता है तो कुछ हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है ना। यूरिक एसिड लिस्ट टॉक्सिक होता है, सो इट इज स्टोर्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म इन द बॉडी, बॉडी में ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। देखिए हियर अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, यूरिया इज लेस सोल्यूबल एंड यूरिक एसिड इज लीस्ट सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अमोनिया ये ज़्यादातर पानी में घुलनशील होता है, इसीलिए इट नीड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब ये हाई, इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर सो इट नीड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। एवरेज हम बोल सकते हैं कि 1 ग्राम अमोनिया को डाइल्यूट होने के लिए या इलिमिनेट होने के लिए 300 to 500 ml ऑफ वाटर लगता है। 1 ग्राम अमोनिया के लिए इतना सारा पानी ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये एनिमल्स 24 आवर्स पानी में रहते हैं और एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इट इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर, सो दीज ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। मॉडरेट अमाउंट मतलब कि जितना आवश्यक है उतना पानी इन्हें लगता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर सोचते हैं तो हमारा मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर है 5 to 6 liter पर डे, है ना। तो इतने पानी में हम यूरिया एक्सक्रीट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर इतना कम पानी हमें लगता है तो अगर अमोनिया से कंपेयर किया जाए तो ह्यूमन बीइंग में 100 times लेस वाटर कंज्यूम किया जाता है, है ना। तो 100 times लेस वाटर ह्यूमंस में यूज होता है, ठीक है, और सेवरल 100 times लेस वाटर कैमल, कांगारू, रैट, और शार्क में यूज होता है। मतलब इतना कम पानी लगता है अमोनिया के कंपैरिजन में, हमें इतना कम पानी लगता है, ठीक है ना। सो ये एनिमल्स ऐसे होते हैं कि ये वाटर कंजर्व करते हैं, दे कंजर्व वाटर, मतलब जो एनिमल्स वाटर कंजर्व करते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, ऐसे हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अभी यूरिक एसिड लीस्ट सोल्यूबल है, सो दीज एनिमल्स नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इन्हें बहुत कम पानी लगता है वाटर, या फिर नो वाटर, मतलब कुछ एनिमल्स बहुत कम पानी पीते हैं तो कुछ एनिमल्स कुछ भी पानी नहीं पीते हैं, ठीक है ना। सो दीज एनिमल्स
excrete their uric acid in the form of paste. तो पेस्ट के रूप में ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं. एंड ये एनिमल्स ज़्यादातर वाटर कंजर्व करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वाटर कंजर्व करते हैं ये एनिमल्स, यूरियोटेलिक एनिमल्स, ठीक है. अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे बहुत कम पानी लगता है, मतलब 1 ग्राम यूरिया के लिए 50 ml ही वाटर लगता है. और यूरिक एसिड, 1 ग्राम यूरिक एसिड इलिमिनेट होने के लिए 5 to 10 ml वाटर ही लगता है, मतलब कितना कम पानी हो गया. तो यहाँ पे अमोनिया इजीली इलिमिनेट हो जाता है, इसलिए इसे एनर्जी सेविंग मैकेनिज्म कहते हैं. यहाँ पे एनर्जी सेव होती है, लेकिन यहाँ पे इजीली एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है. यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सो इट इज़ एनर्जी कंज्यूमिंग. एंड और यूरियोटेलिक एनिमल्स स्पेंड, यूरियोटेलिक एनिमल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होती है. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया. अमोनोटेलिक एनिमल्स अमोनिया एज इट इज इलिमिनेट करते हैं, जैसा है वैसा इलिमिनेट करते हैं. लेकिन यूरियोटेलिक एनिमल्स और यूरिकोटेलिक एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूरिया, क्योंकि ये एनिमल्स ज़्यादा वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं, सो अमोनिया को यहाँ पे कन्वर्ट होना होता है यूरिया में. इसीलिए सबसे पहले इनके बॉडी में जो अमोनिया तैयार होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया. ये कन्वर्ट होता है यूरिया में, कहाँ पे कन्वर्ट होता है, लीवर में. ऐसे ही यहाँ पे भी अमोनिया तैयार होता है और ये लीवर में ही जाकर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे इस साइकिल को कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन या फिर यूरिया साइकिल कहते हैं इसे. ठीक है, और यहाँ इसे कहेंगे हम लोग इनोसिनिक एसिड पाथवे. तो इन साइकिल्स को इस तरह के नाम दिए गए हैं. तो इतना ध्यान में आ गया आपके, ठीक है. चलिए अब इसके एग्जांपल देखते हैं. अमोनोटेलिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स यानी जिन्हें रीढ़ की हड्डी नहीं है, विदाउट वर्टिब्रल कॉलम. मराठीत म्हणू आपण याला पाठीचा कणा नसलेले. बोनी फिशेस, बोनी फिशेस मतलब इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, हार्ड. एक्वेटिक लार्वल एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब उभयचर प्राणी जो लैंड पे और वाटर दोनों जगह दिखाई देते हैं. तो इनका जो लार्वल फॉर्म होता है उसे टैटपोल कहते हैं, टैटपोल ऑफ फ्रॉग्स, ठीक है ना, मतलब चाइल्डहुड स्टेज इसे हम बोलेंगे. तो ये इन सब एनिमल्स में अमोनिया एक्सक्रीट होता है और ये सारे एनिमल्स फ्रेश वाटर बॉडीज में रहते हैं. फ्रेश वाटर बॉडीज मतलब मीठा पानी, जैसे रिवर, लेक्स, पूल्स, जो भी होंगे पॉन्ड्स, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स, उनमें अमोनिया एक्सक्रीट होता है. जिन एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होती है, जैसे कि प्रोटोजोआ, प्रोटो मीन्स फर्स्ट और जोआ मीन्स एनिमल, तो फर्स्ट एनिमल है ये हमारे अर्थ पे रहने वाले फर्स्ट एनिमल्स है. तो प्रोटोजोन्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होती है, सो दे आल्सो एक्सक्रीट अमोनिया. ठीक है, अब ये एनिमल्स अमोनिया कैसे एक्सक्रीट करते हैं? तो ये एनिमल्स
स्किन के द्वारा, मतलब जनरल बॉडी सरफेस बोलेंगे हम इसे, स्किन के द्वारा, गिल्स के द्वारा और किडनीज के द्वारा, जिनमें जो ऑर्गन प्रेजेंट है, इम्पोर्टेंट है, उनके द्वारा अमोनिया एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ओके। यूरियोटेलिक एनिमल्स के एग्जांपल देखते हैं अभी हम। तो इसके एग्जांपल है मैमल। मैमल्स में आते हैं मैन, कैट, डॉग, लायन, सभी मैमल्स। कार्टिलेजिनस फिशेज, मतलब जिन फिशेज का एंडोस्केलेटन ये कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज से हमारे बॉडी में क्या बना होता है? ईयर लोब्स, है ना, नोज, टीप, ये सब चीज़ें कार्टिलेज से बनी हुई होती है। और हमारे जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके टिप पे भी कार्टिलेज होता है, जिससे कि हमारे बोन्स में फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, तो जैसे कार्टिलेजिनस फिशेज, शार्क है, रेज है, इनमें यूरिया एक्सक्रीट होता है। बहुत सारे एक्वेटिक रेप्टाइल्स होते हैं, बहुत सारे एडल्ट एम्फीबियंस होते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स है, इनमें यूरिया एक्सक्रीट होता है। फ्रॉग्स लैंड एनिमल है, तो हमने बोला था कि यूरियोटेलिक एनिमल्स आर द लैंड एनिमल्स, ठीक है ना। लेकिन इनका जो चाइल्डहुड स्टेज है, जिसे टैटपोल कहते हैं, ये पानी में रहते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, इसीलिए ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखने जैसी है कि यहाँ पे मैंने बताया था कि ये सभी फ्रेश वाटर बॉडीज़ में होते हैं। फ्रेश वाटर बॉडीज़ में होते हैं इसीलिए मीठा पानी, अगर ये समुद्री पानी में अगर रहते तो ये एनिमल्स जिंदा नहीं रह सकते थे, क्योंकि जो सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर में अगर अमोनिया ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता तो सॉल्ट वाटर की सैलिनिटी और बढ़ जाती, उसका कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाता, और ऐसी जगह इन एनिमल्स के रहने लायक नहीं होती है। इसीलिए फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहने वाले एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ताकि उनका बाहरी एनवायरनमेंट जो है उनको रहने के लिए सूटेबल रह सके। ठीक है ना, समझ में आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? कि जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो मराइन वाटर में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मराइन वाटर ऑलरेडी सॉल्टी होता है, और उसमें अगर अमोनिया और ज़्यादा मिक्स होता है तो वो और ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा और उनके रहने के लायक नहीं रहेगा। इसीलिए फ्रेश वाटर बॉडीज़ में ही रहने वाले एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अभी शार्क जो है, शार्क के बारे में अगर हम बोल सकते हैं कि शार्क क्या करती है कि मराइन वाटर में रहती है ना। शार्क कहाँ रहती है? मराइन वाटर, मतलब समुद्री पानी में। अब मराइन वाटर कैसा होता है? ज़्यादा सलाइन होता है, मतलब सॉल्टी होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है। और शार्क अगर यूरिया एक्सक्रीट करती है, अगर यहाँ पे यूरिया एक्सक्रीट करती है तो क्या होगा? एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है, इसे हम बोलेंगे परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब इसमें से कुछ भी आ जा सकता है, इसे कहेंगे हम परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे वाटर में मैंने ज़्यादा सॉल्ट बताया है, मतलब यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है इस वाटर में, और यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लो है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान में रखना कि परमिएबल मेम्ब्रेन से कोई भी चीज़ इधर से इधर और इधर से इधर आ जा सकती है, दिस मेम्ब्रेन से। और हमेशा हमारे बॉडी में वाटर का और सॉल्ट का बैलेंस किया जाता है, हर एक के बॉडी में किया जाता है वाटर का सॉल्ट का बैलेंस। ये बैलेंस कैसे होता है?
तो हमेशा ध्यान में रखना कि ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला जो हिस्सा होता है वहाँ से लो कंसंट्रेशन वाले हिस्से में सॉल्ट आ जाता है, है ना। मतलब सॉल्ट इस कंसंट्रेटेड एरिया से लो कंसंट्रेटेड एरिया की तरफ जाता है और वाटर लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ से हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जाता है। इसलिए हमारे बॉडी का जो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस है वो मेंटेन किया जाता है। समझ में आ गया वाटर और सॉल्ट का बैलेंस हमारे बॉडी में कैसे मेंटेन होता है। और इस तरह से दोनों तरफ अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर और सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट अगर होगा तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहेंगे, ठीक है ना। मतलब टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। तो शार्क क्या करती है, उसके बॉडी में ये आइसोटोनिक जो जो सराउंडिंग मराइन वाटर है और शार्क का जो ब्लड है, इन दोनों के बीच बीच जो है वो कंसंट्रेशन मेंटेन करती है, ठीक है ना। मतलब शार्क क्या करती है, शार्क रिटेन मोर यूरिया, शार्क की बॉडी यूरिया रिटेन करके रखती है, मतलब बॉडी में स्टोर करके रखती है ताकि मराइन वाटर और उसके बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसका कंसंट्रेशन मेंटेन किया जाए। मींस शार्क रिटेन मोर यूरिया इन देयर बॉडी टू मेक देयर ब्लड आइसोटोनिक टू द सराउंडिंग मराइन वाटर। समझ में आ गया, ठीक है। तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स के एग्जांपल देखते हैं, बर्ड्स, सम इंसेक्ट्स, मेनी रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, टेरेस्ट्रियल टर्टल्स और डेजर्ट एनिमल्स यूरिकोटेलिक होते हैं। लेकिन डेजर्ट में रहने वाला कैमल जो है, कैमल ये यूरियोटेलिक होता है, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स है ये बहुत कम पानी पीते या पानी पीते ही नहीं है, सो दे कंजर्व मोर वाटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। अभी हम देखेंगे गोनोटेलिज्म, मतलब जो एनिमल्स गोनिन एक्सक्रीट करते हैं उन्हें गोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। यूरिक एसिड तैयार होने से पहले गोनिन तैयार होता है, मतलब जिन एनिमल्स में यूरिक एसिड तैयार नहीं होता है और गोनिन ही लास्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तैयार हो जाता है उन्हें गोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं, है ना। और एग्जाम्पल इसके स्पाइडर, स्कॉर्पियन और पेंगुइन।